Hi friends, myself Dr. Prue Pasavada, and our today's topic of discussion is medical negligence, which is very, very, very important subject. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. So let us check out definition. Definition: medical negligence is defined as want of reasonable degree of care and skill or willful negligence on part of medical practitioner while treating a patient resulting in bodily injury, ill health and डेथ. सो यहाँ पे कभी कभी जो स्किल है, डिग्री ऑफ केयर है, या तो फिर अगर विलफुल निग्लिजेंस है, उसकी वजह से पेशेंट को बॉडीली इंजरी, इल हेल्थ या तो फिर डेथ अगर रिजल्ट होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेडिकल निग्लिजेंस. निग्लिजेंस इज लीगल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ मेडिकल कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे जो निग्लिजेंस है वो मेडिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट. एंड निग्लिजेंस इज एक्शनेबल एंड एन एक्शन फॉर निग्लिजेंस मे बी ब्रॉट अगेंस्ट डॉक्टर इन अ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट. तो ये जो है वो एक्शनेबल है और डॉक्टर को सिविल या तो फिर क्रिमिनल कोर्ट में ये जो है वो चैलेंज करना पड़ता है. इट ब्रॉट अगेंस्ट डॉक्टर इन सिविल और क्रिमिनल कोर्ट. निग्लिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एक्ट. यहाँ पे दो टाइप के जो एक्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्ट ऑफ ओमिशन एंड सेकेंड इज एक्ट ऑफ कमीशन. पहले देखेंगे एक्ट ऑफ ओमिशन, नॉट डूइंग समथिंग दैट इज रीजनेबल मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस वुड डू. जो करना चाहिए किसी को कोई चीज के लिए वो नहीं करता है, दैट इज एक्ट ऑफ ओमिशन. और एक्ट ऑफ कमीशन इज मोर डेंजरस बिकॉज डूइंग समथिंग विच इज अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट डू. जो करना चाहिए किसी एक प्रूडेंट मैन को वो सर्कमस्टेंसेस में नहीं करता है, दैट इज एक्ट ऑफ कमीशन. 4D फॉर मेडिकल निग्लिजेंस. इन दैट फर्स्ट वन इज ड्यूटी, यानी कि फिजिशियंस ड्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिशियंस ड्यूटी टू द प्लेंटिफ. यहाँ पे प्लेंटिफ यानी कि पेशेंट, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वन इज डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी में लापरवाही करना. डेरेलिक्शन यानी कि लापरवाही, राइट? सो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर एंड इट्स वायोलेशन, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी. थर्ड वन इज डैमेज, अ कंपेंसेबल इंजरी. सो तीसरा जो है वो डैमेज है. एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट कॉजेशन. द 4D इज डायरेक्ट causation, causal connection with the violence of care and the harm complained of. So, ये 4D है, duty, dereliction of duty, damage and direct causation. Let us check out what is civil negligence. Is a tort, civil wrong, civil negligence. A patient bring charges of negligence against doctor for monetary compensation. यहाँ पे monetary compensation के लिए charge कर सकते हैं for the damages suffered by him. कोई अगर पेशेंट कोई डैमेज सफर करता है तो मॉनिटरी कंपेंसेशन चार्ज कर सकता है अगेंस्ट डॉक्टर. फॉर सिविल निग्लिजेंस केसेस अ पेशेंट हैज टू अप्रोच सिविल कोर्ट और कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम. यहाँ पे सिविल कोर्ट या तो फिर कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम को अप्रोच करना रहता है. एंड टू बी वैलिड द शूट फॉर निग्लिजेंस मस्ट बी फाइल्ड इन अ सिविल कोर्ट. और जो डॉक्टर के अगेंस्ट शूट फाइल होता है वो सिविल कोर्ट में ही होता है विद इन 3 ईयर्स from the date of alleged negligence. So, ये जो चीज जो फाइल करनी रहती है वो alleged negligence के 3 साल के अंदर अंदर ही करनी रहती है. If the court has taken decision on a particular case, the same case cannot be reopened in any other court. That is called as res judicata. Yes, if the court has taken decision, अगर court ने कोई particular decision लिया हुआ है केस पे तो वो एक दूसरी court में open नहीं होता है. ये एक बहुत ही important चीज है. The next one is criminal negligence. So criminal negligence is more serious than civil negligence. So यहाँ पे हम next videos में उसके examples भी देखेंगे. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप ये channel को subscribe करें और या ताकि आपको ये channel के continuous updates मिलते रहे. Typically limited to cases in which patient has died. So यहाँ पे जो practically applicability इसकी है वो patient अगर मर जाता है तो उसमें भी criminal negligence का चार्ज लगता है. मोस्टली एसोसिएटेड विथ ड्रंकननेस और इम्पेयर्ड एफिशिएंसी ड्यू टू यूज ऑफ ड्रग्स बाय डॉक्टर. कभी कभी ड्रंकननेस होता है या तो फिर ड्रग्स अगर डॉक्टर ने यूज किया होता है तो उसमें भी ये क्रिमिनल निग्लिजेंस शूट होता है, राइट? एंड डॉक्टर शोज ग्रॉस इनकॉम्पिटेंसी एंड इनअटेंशन इन द सेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेमेडीज, अनड्यू इंटरफियरेंस बाय हिम और क्रिमिनल इनडिफरेंस टू द पेशेंट सेफ्टी. अगर कोई रेमिडी या तो फिर कोई ड्रग में अगर इनकम्पिटेंसी या तो इनअटेंसी होती है, इनअटेंशन होता है,
अगर अनड्यू इंटरफियरेंस होता है, या तो फिर अगर पेशेंट की सेफ्टी के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है क्रिमिनल तरीके से, देन इट कम्स अंडर क्रिमिनल निग्लिजेंस। पनिशमेंट, पनिशमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग पनिशमेंट, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है लीगली। सेक्शन 304A IPC मीन्स डील्स विथ क्रिमिनल निग्लिजेंस। Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide should be punished with imprisonment up to 2 years with or without fine. So यहाँ पे with or without fine का provision है। अगर कोई negligent या तो फिर ऐसी चीजें करता है with amounting culpable homicide, right? So ये section 304A है। Police sometimes register the case of professional negligence under section 304 IPC. So ये जो 304 IPC है, that is non-bailable offence, where if it is registered under section 304A, that is bailable. The basic difference is that, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 304 और 304A दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर इज इंटेंशनल एक्ट ऑफ निग्लिजेंस, वाइल इन 304A इट इज unintentional, right? The act is never done with the intention to cause death. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel for more updates. You can have click icon and you can share this video amongst your friends. Thank you.